गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द ऑक्युलर ट्यूमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ऑक्युलर ट्यूमर्स आर ट्यूमर इनसाइड द आई। ऑक्युलर ट्यूमर एक प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं जो आँख के अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं। दे आर कलेक्शंस ऑफ द सेल्स दैट ग्रो एंड मल्टीप्लाई एबनॉर्मली एंड फॉर्म मासेस। ये एक प्रकार के एबनॉर्मल कलेक्शंस का सेल्स का कलेक्शंस होते हैं जो कि ग्रो करते हैं और मास फॉर्म करते हैं। दे कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। ये बिनाइन ट्यूमर हो सकते हैं और मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स द एक टाइप ऑफ मास विच फॉर्म्स द ओनली इन द स्पॉट विदाउट स्प्रेडिंग। एक ही स्पॉट पे ये रहते हैं और कोई भी स्प्रेडेशन इसमें नहीं होता। एंड मैलिग्नेंट इज अ वाइल द मैलिग्नेंट इज अ कैंसरस सेल्स एंड स्प्रेड द नियर बाई टीशू, जो कि आसपास के जो टीशूज होते हैं उस पर ये स्प्रेड होते हैं। इन एडल्ट द मोस्ट कॉमन टाइप्स इज मेटास्टेसिस। इसमें एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस जो फॉर्म होते हैं अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मेटास्टेसिस मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, द लंग्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एट्सेट्रा। इस जगह से कैंसर सेल्स दूसरे जगह पे मेटास्टेसिस होते हैं। अनदर कॉमन टाइप ऑफ ऑक्युलर ट्यूमर इज अ मैलिग्नेंट मेलानोमा। अनदर टाइप ऑफ ऑक्युलर ट्यूमर्स जो है एक तरह से मेलानोमा। इस मेलानोमा स्पेशली इज द स्किन कैंसर। मेलानोमा मीन्स जो होता है स्किन कैंसर होता है, बट ये ऑक्युलर मेलानोमा जो होता है एक्चुअली सरफेस ऑफ द आई, जो आई का सरफेस होता है वहाँ पे हो सकता है या फिर बियॉन्ड द सरफेस ऑल्सो इन द डी इनसाइड द आई। इनसाइड आई द आई लाइक अ यूवियल ट्रैक जो भी होता है मिडिल लेयर ऑफ द आई, उस जगह पे भी ये अपने आप को ग्रो कर सकता है। दैट इज़ द ऑक्युलर मेलानोमा। नाउ द डेफिनेशन, ऑक्युलर ट्यूमर्स आर ट्यूमर्स इनसाइड द आई। दे डू नॉट ऑकर्स फ्रिक्वेंटली। ये प्रायः नहीं होते हैं, बट वेन दे डू, अगर ये हो गए, दे विल ऑफन ग्रो ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। जब जैसे ही अगर ये होते हैं तो ये स्पेशली ऑफन कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो कि आयरिस जो होता है, आयरिस इज अ कलर पार्ट ऑफ द आई, दे कॉल्ड द आयरिस और इन द बैक ऑफ द आई, या तो आँख के पीछे साइड रेटिनल पार्ट में स्प्रेड होता है। लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीट नहीं किया गया, ऑक्युलर ट्यूमर कैन नॉट ओनली थ्रेटन और विजन्स बट ऑल्सो योर लाइफ। ऑक्युलर ट्यूमर्स जो होता है वो सिर्फ आपके विजन को इम्पेयर्ड नहीं करेगा, जबकि ये लाइफ को भी डैमेज कर सकता है, लाइफ को भी स्पॉयल ख़त्म कर सकता है। ओके, नाउ द डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑक्युलर ट्यूमर। कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट। एक प्रकार का ये कॉमनली बिनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं ऑक्युलर ट्यूमर्स में, उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, सिस्टिक डर्मोइड, सिस्ट एंड मॉक्यूल। सिस्टिक डर्मोइड सिस्ट जो होते हैं एक प्रकार के कॉमन प्लेस अपर यूवियल आउटर पार्ट ऑफ द आई। कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो अपर पार्ट ऑफ आई में कहीं पे भी सरफेस में ट्यूमर फॉर्म होता है जो कि विदाउट स्प्रेडिंग होता है, बिनाइन होते हैं। एंड मॉक्यूसेल्स, म्यूकोसेल्स इज अ टाइप ऑफ म्यूकस फिल्ड टीशू। एक प्रकार के म्यूकस फिल्ड रहता है उनके सराउंडिंग, और वो आँख की पेरीफेरल एरिया पे, आँख के ऑर्बिटल कैविटी पे प्रेजेंट होता है। हिमेंजियोमास, हिमेंजियोमा इज अ बर्थ मार्क, लाइक अ बर्थ मार्क होता है, और ये लाइक अ रवि फॉर्म, रवि ब्राइटिंग एंड एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। रेड पैचेस टाइप का दिखाई देता है उभरा हुआ पार्ट, दैट इज अ हिमेंजियोमास। ये आल्सो द बेनाइन ट्यूमर। ओके, लिम्फेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा इज अ लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। लिम्फ से लिम्फेटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके सराउंडिंग एकुमुलेशन होने लगता है, लिम्फ जो फ्लूड होता है एकुमुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फेंजियोमास। एंड न्यूरोफाइब्रोमास, न्यूरोफाइब्रोमास इज द नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है। नर्वस जो शीथ होती है, नर्वस शीथ, वो टिश्यूज की सराउंडिंग एकुमुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा मास ऑफ मास फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोफाइब्रोमास। इट मे बी इनसाइड ऑफ द आई और आउटसाइड ऑफ द एनी ब्रांच ऑफ द नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के किसी भी ब्रांच में, आइदर स्मॉल ब्रांच और द मेजर ब्रांच। तो ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं उसके ब्रांचेस में किसी भी जगह पे फाइब्रोनोमास होता है, फाइब्रस एकुमुलेट होने लगता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोफाइब्रोमास। एंड बिनाइन ट्यूमर कैन डेवलप फ्रॉम द इन्फेंसी। बिनाइन ट्यूमर्स कैन डेवलप फ्रॉम
फ्रॉम इन्फेंसी इन्फेंट टाइम पे बिनाइन ट्यूमर डेवलप हो सकता है एंड ग्रो रैपिडली एंड स्लोली प्रेजेंट इन द लेटर लाइफ. ये धीरे धीरे लाइफ के लेटर फेजेस में भी या तो अर्ली रैपिडली हो सकता है तेजी के साथ या फिर स्लोली प्रेजेंट हो सकता है. ओके, नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोप्टोसिस. प्रोप्टोसिस इज अ टाइप ऑफ उभरा हुआ या बल्जिंग ऑफ आई. ऐसा कह सकते हैं कि आँख में एक ही एरिया पे सपोज दैट किसी भी साइड में मैलिग्नेंसी या सॉरी बिनाइन ट्यूमर्स फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से आँख का जो प्रोट्रूशंस होता है वो उभरा हुआ दिखाई देगा. बाहर की तरफ आँखें निकली हुई दिखेंगी या तो धसी हुई दिखेंगी जिसकी वजह से आँख का जो साइड होगा वो डिफर हो सकता है, राइट एंगल में हो सकता है या लेफ्ट एंगल में हो सकता है. एंड विजुअली डिसफंक्शन, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको आँखों में देखने में प्रॉब्लम हो सकती है या रोशनी उसकी जा सकती है, विजुअली डिसफंक्शन. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. हिस्ट्री कलेक्शंस. हिस्ट्री थ्रू द हिस्ट्री कलेक्शंस पेशेंट के उसका कन्फर्म किया जा सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है. एंड फिजिकल एग्जामिनेशन थ्रू द पाल्पेशन कैन आइडेंटिफाई द पाल्पेबल मासेस. अगर आँखों के आसपास कहीं पे मास फॉर्म हो रहा है, बेनाइन ट्यूमर है, तो उसको इजिली पाल्पेट करके उसको कन्फर्म किया जा सकता है. एंड एक्सरे एंड सीटी स्कैन ऑल्सो डन फॉर द डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन फॉर द बेनाइन ट्यूमर. नाउ द मैनेजमेंट. ओनली सर्जिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू ट्रीट द कंडीशन, बट समटाइम इस सीजन इज अ डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सम पोर्शन ऑफ द ऑर्बिटल बोन्स. ओनली इसमें जो मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट है, रिक्वायर है ट्रीटमेंट के लिए. बट कई बार एक सीजन जो होता है या सर्जिकल रिमूवल जो होता है उसमें डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सम पोर्शन ऑफ द ऑर्बिटल बोन. ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल कैविटी की बोन्स होती हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती हैं क्योंकि वो उस ऑर्बिटल कैविटी पे जो ट्यूमर होता है बिल्कुल चिपक जाता है. तो इस टाइम पे क्या करते हैं, डीप डर्मोइड सिस्ट इन विच डिसेक्शन ऑफ द बोन इज रिक्वायर्ड. उस टाइम पे बोन्स को भी डिसेक्ट किया जाता है या रिमूव किया जाता है थ्रू द ड्यूरिंग द सर्जिकल मैनेजमेंट. इसमें दूसरा है सब टोटल डिसेक्शन में भी इंडिकेटेड इन डीप बिनाइन ट्यूमर. अगर डीप बिनाइन ट्यूमर है तो सब टोटल डिसेक्ट कर सकते हैं पूरी तरह से ऑर्बिटल कैविटी के बोन को रिसेक्ट करके बिनाइन ट्यूमर को बाहर कर सकते हैं. इंटरवाइन द विदर ऑर्बिटल सर्फेसेस सच एज ऑप्टिकल नर्व्स मैनिंजियोमास. अगर ऑप्टिकल नर्व्स मैनिंजियोमा है उस कंडीशन पे एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्यूमर्स में इंडेंजर विजुअल फंक्शंस. अगर कंप्लीट रिमूवल करते हैं ट्यूमर को तो उस टाइम पे डेंजर्स हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, विजुअल जो फंक्शन होते हैं वो डैमेज कर सकता है क्योंकि जो ट्यूमर्स होते हैं काफ़ी लार्ज सर्कल में फैला हुआ होता है तो उसको अगर पूरी तरह से निकालते हैं तो आँख के फंक्शंस को डिसफंक्शन कर सकता है या उसके फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ऑर्बिट. जो ऑर्बिट है उसमें अगर मैलिग्नेंसी आ गई है, ट्यूमर है, इस मोर कॉमनली रैबडोमायोसार्कोमास. रैबडोमायोसार्कोमा इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट प्राइमरली ऑर्बिटल ट्यूमर्स, जो कि ऑर्बिटल ट्यूमर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग ट्यूमर्स है. इट इन द चाइल्डहुड बट इट कैन ऑल्सो डेवलप इन एल्डरली पीपल्स दैट फॉर्म इन द सॉफ्ट टिश्यू. जो कि रैबडोमायोसार्कोमा है ये एक प्रकार के सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना होता है जो कि सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड में होता है, बट ये किसी भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन देखा गया है ऑर्बिटल कैविटी में चाइल्डहुड में रैबडोमायोसार्कोमा जो कि सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बना होता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसमें क्या है, सडन पेनलेस प्रोटोसिस ऑफ द आई ऑन आई फॉलोड बाय द आईलिड स्वेलिंग. इसमें क्या हो सकता है, सडनली पेनलेस, उसमें कोई पेन नहीं होगा लेकिन प्रोटोसिस हो सकता है. प्रोटोसिस जैसे मैंने बताया बल्जिंग ऑफ द आई, यानी कि आई एक तरफ मूव हो सकती है, किसी तरफ बल्ज हो सकती है या उभरी हुई आँखें आईलिड की वजह स्वेलिंग, आईलिड के जो सरफेस होता है वहाँ पे स्वेलिंग होने की वजह से. एंड कंजक्टिवल कीमोसिस यानी कि एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा रिंग फ्रॉम द अराउंड द कॉर्निया. कॉर्निया के चारों तरफ क्या होगा, एडिमा होगा, स्वेलिंग हो जाएगा. इम्पेयरमेंट ऑफ ऑक्युलर मोटिलिटी. इस टाइम पे क्या होगा, ऑक्युलर मोटिलिटी जो
आँखों का मूवमेंट होता है वो इम्पेयर होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। नाउ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डेफिनेटली हिस्ट्री कलेक्शंस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एक्सरे, थ्रू द एक्सरे इट मे बी डायग्नोस्ड। मैनेजमेंट, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ दिस प्राइमरी मैलिग्नेंट ऑर्बिटल ट्यूमर्स इन्वॉल्व थ्री मेजर मैनेजमेंट सच एज द सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी, द डिग्री ऑफ ऑर्बिटल डिसेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग द सर्जिकल अप्रोच। डिसेक्शन ऑफन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ द आई वॉल, इसमें आई वॉल को रिमूव किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट ट्यूमर होने की वजह से। एंड उसके साथ साथ जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रेडियो रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फर्दर रिएक्शंस या फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यूज का। अगर दोबारा से ग्रोथ ना हो उसके लिए हमें रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का हेल्प लेना होगा। बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवल नर्व एंड कंजक्टिवल बिनाइन न्यूप्लास्म इज अ फ्लैट स्लाइटली एलिवेटेड ब्राउन स्पॉट। इसमें क्या होता है, बिनाइन न्यूप्लाज्म होते हैं सच कंजक्टिवल एरिया में, न्यूप्लाज्म में एक तरह का प्लाज्मा फिल्ड प्लाज्मा फिल्ड ट्यूमर्स होते हैं इज अ फ्लैट, जो कि पूरी तरह से फ्लैट होते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड ब्राउन, थोड़ा सा उभरे हुए ब्राउन स्पॉट के होते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होंगे, दैट बिकम्स पिगमेंटेड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, जो कि पिगमेंटेड ड्यूरिंग द लेट चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड के बाद की जो अवस्था होती है और एडोलेसेंस का जो समय होता है उस टाइम पे ये स्पॉट्स अपीयर हो सकते हैं, या जनरली उस टाइम पे ये इस तरह बिनाइन ट्यूमर्स डेवलप होता है। दिस शुड बी डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द पिगमेंटेड लीजन्स, मेलिनोसिस एक्वायर्ड टू मिडिल एज विच टेंड टू द वैक्स एंड वेन बिकम द मैलिग्नेंट मेलोमा। एक प्रकार का मेलिनोसिस जो होता है, मेलिनोसिस इन द मेलिनिन, जो मेलानिन से जो पिगमेंटेशन होता है वो इसमें इकट्ठे हो जाते हैं या ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से जो आँखों का जो आयरिस वाला पार्ट होता है उसमें क्या होगा, पूरी तरह से डार्कनेस आने लगता है, यानी कि ब्लैक टाइप का दिखने लगता है बिकॉज ऑफ द मेलेनोसिस। एंड इट एक्वायर्ड विच द टेंड्स टू द वैक्स एंड वेन, जो कि वैक्स एंड वेन मीन्स होता है कि अंडर गो अल्टरनेटिव इंक्रीजिंग द एंड डिक्रीजिंग, बार बार कम या ज़्यादा होने से बिकम द मैलिग्नेंट मैलोमा, जो कि इन फ्यूचर जो मैंने बताया अभी मेलिनोसिस यानी कि आपका मेलिनिन का एक्युमुलेशन या मेलिनिन का जो सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा होने लगता है, जिस वजह से कम या ज़्यादा होने की बार बार होने की वजह से क्या होगा, ये फ्यूचर में जो मिडिल एज होता है उसके बाद की जो टाइम होता है उसमें मैलिग्नेंटी या मैलिग्नेंस मेलिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिनाइन ट्यूमर में, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द कंजक्टिवा। बिनाइन ट्यूमर ऑफ द कंजक्टिवा के होने के बाद इन फ्यूचर इसमें अगर कंटिन्यूस इस तरह के पिगमेंटेशन प्रेजेंट रहेंगे तो फ्यूचर में मैलिग्नेंट मेलिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट केराटिन एंड सीबम कंटेनिंग डर्मोइड सिस्ट, ए टाइप ऑफ द सीबम कंटेनिंग सीबम इन सीवेसियस ग्लैंड, जो कि सीवेसियस जो ग्लैंड होती है एक तरह से ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयली सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट होता है सीवेसियस ग्लैंड से। ओके, तो ये एक प्रकार के जो सिस्ट होता है डर्मोइड सिस्ट होते हैं, इसमें सीबम का कंटेन रहता है एंड कंजेनाइटल एंड कैन बी फाउंड इन द कंजक्टिवा। एक प्रकार के ये कंजेनाइटल हो सकते हैं, बाइवल्थ प्रेजेंट रहता है और कंजक्टिवा में प्रेजेंट होता है, कंजक्टिवा में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज अ डर्मोलाइपोमा, डर्मोलाइपोमा इज अ कंजेनाइटल ट्यूमर, इट इज ऑल्सो द कंजेनाइटल ट्यूमर दैट मैनिफेस्टेड एज द स्मूथ, जो कि इसका जो ट्यूमर होता है स्मूथ होता है, राउंडेड चारों तरफ इसमें ग्रोथ होती है इन द कंजक्टिवा के चारों तरफ नियर द लेटरल कैंथस, जो कि लेटरल कैंथस जो जहाँ पे दोनों साइड में ये आईलिड्स मीट करती हैं, मिलती हैं आईलिड्स, उस जगह पे जिस पार्ट को हम बोलते हैं कैंथस, तो उस जगह या कह सकते हैं कंजक्टिवा जो एरिया होता है उस जगह पे डर्मोलाइपोमा प्रेजेंट होता है।
पैपिलोमास, दिस इज द यूजुअली सॉफ्ट विद द इरेगुलर सरफेस. इसका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं एंड अपियर्स ऑन द आईलिड्स मार्जिन्स. आईलिड के मार्जिन्स में ये प्रेजेंट होता है. ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ द सर्जिकल इंसीजन एक्सीजन. इसका भी ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन के थ्रू किया जा सकता है. सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर्स, डेफिनेटली सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, टोटली रिमूवल ऑफ द ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा में इफ द मैलिग्नेंसी है. कंजक्टिवल कैल्सिनोमा मोस्ट ऑफन ग्रो इन द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द कंजक्टिवा. जैसे एक्सपोज्ड एरिया जो बाहर के एरिया होता है कंजक्टिवा का, उस जगह पे ये टिपिकल लीजन्स आर यूजली ग्लेटाइनियस एंड वाइटिस ड्यू टू द केराटिन फॉर्मेशन. डेफिनेटली जब मैंने प्रीवियस में बताया कि केराटिन का फॉर्मेशन होने लगता है उस जगह पे, तो उसमें यूजली ग्लेटेनियस यानी कि पतला, बिल्कुल पतले वाइटिस झिल्ली नुमा वाइट एक परत बनने लगती है, दैट इज़ केराटिन फॉर्मेशन केराटिन की वजह से. और वो जो स्क्लेरा होता है या आपके आयरिस का पार्ट होता है वो पूरी तरह से वाइट हो जाता है. दे ग्रो ग्रेजुअली एंड डीप इन्वेशन, ये धीरे धीरे ग्रो होता है इस जगह पे एंड डीप इन्वेशंस यानी कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला होता है. एंड मेटास्टेसिस आर देयर, सम इसमें मेटास्टेसिस एक जगह से दूसरी जगह जो फैलने की जो गति होती है ये कम रहती है, बट मे बी बिकॉज ऑफ द मैलिग्नेंसी. मैलिग्नेंट मेलानोमा इज रेयर बट मे अराइज फ्रॉम द प्रेक्सिस्टिंग नर्व्स और एक्वायर्ड मेलानोसिस ड्यूरिंग मिडिल एज. इसकी जो मैलिग्नेंसी जो मेलोमा होना है मैलिग्नेंट मेलानोमा इज रेयर, बहुत कम होता है, बट ये प्री एग्जिस्टिंग अगर पहले से ही बेनाइन मैलिग्नेंट सॉरी बेनाइन कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन है इसी प्रकार से, तो ये मिडिल एज में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा इज ऑल्सो रेयर बट इन्वेशन. जो स्क्वैमस इपिथीलियल टिश्यूज होते हैं उसके सेल्स से जो कार्सिनोमा बनते हैं वो कम होते हैं बट इन्वेसिव होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलने वाले होते हैं. मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट इज सर्जिकल इंसीजन. डेफिनेटली सर्जिकल इंसीजन के थ्रू इसको भी रिमूव किया जा सकता है टू अवॉइड रिकरेंस. रिकरेंस दोबारा ना हो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट यूजली अंडरगो रेडिएशंस, जो कि उसके लिए रेडिएशंस पे भेजते हैं थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड क्रायोटोथेरेपी आफ्टर द इंसीजन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर के इंसीजन के बाद एक्सीजन के बाद उसको क्रायोटोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी से गुजरना होता है. एंड कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट में रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव एक्सीजन. काफ़ी ज़्यादा इंसीजन करने के बाद अगर ट्यूमर का साइज ज़्यादा होने की वजह से कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट्स यानी कि उसको उसका जो चेहरा होगा वो गंदा दिखेगा बिकॉज ऑफ द डीप इन्वेशन में द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज इन्वॉल्व. अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है और उसको डीप इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो उसको पूरी तरह से निकालेंगे तो डेफिनेटली उसकी फिगर्स में डैमेज रहेगा और वो भद्दा दिखाई देगा. मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ग्लोब, एक पूरा जो ग्लोब होता है उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होता है, रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि रेटिना में इनर मोस्ट जो इनर मोस्ट लेयर होता है आई का वो दैट इज़ अ रेटिना. रेटिनोब्लास्टोमा इज अ ट्यूमर इन द रेटिना साइड. अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द रेटिना ऑकर्स इन द चाइल्डहुड. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है रेटिना में वो चाइल्डहुड में होता है. इंसिडेंस जो रेट होता है हेरिडिटी इन 30% बाय बर्थ या हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू 30-40% ऑफ द केसेस में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एंड ये रेटिनोब्लास्टोमा होता है. एंड रेटिनोब्लास्टोमा जीन्स इन फाउंड इन द क्रोमोसोम 13 के जीन्स में प्रेजेंट होता है एंड रीजन 914. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा, इनिशियल ल्यूकोकोरिया इज अ टाइप ऑफ द वाइट प्यूपिल्स रिफ्लेक्सेस, जो कि वाइट पीपल विद द पेकुलर लाइट रिफ्लेक्सेस जैसे भी कोई भी लाइट पड़ती है तो उसका पूरी तरह से चमकदार, तो पूरी तरह से जो पीपल्स होगी वो वाइट हो जाती है. एंड स्ट्रैबिज्म, स्ट्रैबिज्म कॉज द आई, जहाँ देखते हैं एक्चुअली
उस जगह पे पेशेंट ऐसा लगेगा कि हम देख इधर रहा लेकिन वो दिखाई उधर, मतलब उसको दिखाई उधर दे रहा होगा, तो उसकी जो आँख है वो एक्चुअली तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो सकती है। एंड यूवाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक, ग्लूकोमा, हाइपेमिया, हाइपेमा मीन्स अ टाइप ऑफ अकुमुलेशन ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो होता है आँख का, उसमें ब्लड का अकुमुलेशन हो सकता है। नेस्टिज्मस, एक तो रैपिड इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट, आँख लगातार ही इधर उधर मूव करती रहेगी। एंड द पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड, आईलिड में इन्फेक्शन हो सकता है और स्किन अराउंड द आई, स्किन की जो सरफेस होता है आँख की चारों तरफ, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेल हो सकती है। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ द दिस थ्रेटनिंग ट्यूमर्स इज द इनोकुलेशन ऑफ द ट्यूमर्स इज लार्जली एंड यूनिलेटरल्स। ट्रीटमेंट क्या है इसका भी, ट्यूमर का पूरी तरह से इनोकुलेट करना यानी कि रिमूव करना ऑफ द ट्यूमर लार्ज एंड द यूनिलेटरल्स, यूनिलेटरल अलग कर सकते हैं एक साइड का, एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आई परफॉर्म बिफोर द कैंसर स्प्रेड टू द ऑप्टिक नर्व्स। सर्जिकल रिमूवल जो होता है, जब तक ऑप्टिक नर्व्स में, अगर उसको ऑप्टिक नर्व्स को कवर नहीं करता है ट्यूमर, अगर उसके पहले इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योर रेट इज़ अ ग्रेटर देन 90%। जो क्योर रेट का परसेंटेज है वो 90% या उससे एबव रहता है, 100% के नियर चांसेस रहते हैं कि वो पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ होगा। ऑकुलर माइलोमा, इट इज़ अ प्राइमरी ऑकर्स इन एडल्ट्स, देयर आर रेयर मेलिग्नेंट कोरोइडल ट्यूमर्स इन ऑफन डिस्कवर्ड ऑन रेटिना एग्जामिनेशन। रेटिनल एग्जामिनेशन के थ्रू इसको कोरोइडल, जो पीछे का कोरोइड पार्ट होता है, मिडिल लेयर ऑफ आई का जो मिडिल लेयर होता है, जो पीछे पोस्टीरियर चैम्बर्स में होता है कोरोइड पार्ट, उसमें अगर ट्यूमर होता है, दैट इज डिस्कवर्ड ऑन द रेटिनल एग्जामिनेशन। रेटिनल एग्जामिनेशन के थ्रू इसको कन्फर्म किया जा सकता है, बट इज प्राइमरी ओकर इन द एडल्ट, ये आदतर एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, मैनी पेशेंट डू नॉट हैव सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज, बहुत सारे लोगों को ये अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है। सम पेशेंट कंप्लेन विद द ब्लड विजन, कुछ लोगों को ब्लड विजन होने लगता है, तो उनको लगता है कि मुझे कुछ आँख की प्रॉब्लम है, तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास और रेटिना एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद उनको कन्फर्म होता है कि इसको आपको आपको कोरोइडल ट्यूमर है। ब्लड विजन है, चेंजेस इन द आई कलर, आँख के कलर में चेंजेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस, हु हैव पेनफुल आई, ब्लाइंडनेस के साथ पेनफुल आईज भी हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेटाइनल फाउंडस फंडस फोटोग्राफी एंड फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू डायग्नोस्ट किया जा सकता है। मैनेजमेंट, रेडिएशन थेरेपी, इफ नॉट ट्रीटेड इट मे बी लार्ज। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल रिमूवल, ट्यूमर रिमूवल सर्जरी, थ्रू द सर्जरी पेशेंट के ट्यूमर्स को रिमूव किया जा सकता है इन द सीवियर कंडीशन। थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड। You can ask me in the WhatsApp group. Thank you.